राजनीतिक सामाजिक सरोकार से भरपूर देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबरों से करेंगे आपको रूबरू। आइए रुक करते हैं आज के खबरों की ओर आपके अंदाज में। ताज़ा अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, आप देख रहे हैं पीपी न्यूज 24/7। जी हाँ, इस वक्त की बड़ी खबर, आज दिनांक 19/21 को हाथरस सिकंदरा राव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन ने सिकंदरा राव स्थित ट्रामा सेंटर का निरीक्षण किया। श्री सुमन ने कहा कि 2015 में इस ट्रामा सेंटर का शिलान्यास हुआ था। 25 अक्टूबर 2017 को यह भवन स्वास्थ्य विभाग को हैंडओवर किया गया था, लेकिन आज तक न तो किसी डॉक्टर और न ही स्वास्थ्य कर्मियों की तैनाती सेंटर पर हुई है। आवश्यक मशीनें नहीं खरीदी गई। करोड़ों रुपए की लागत से बने इस भवन की कोई उपयोगिता नहीं है। योगी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं के प्रति कितनी गंभीर है, इसका सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है। जिला चिकित्सा अधिकारी एवं जिलाधिकारी अविलंब ध्यान देकर इस सेंटर को प्रारंभ कराएं। पूर्व केंद्रीय मंत्री रामजीलाल सुमन। आइए देखें अनिल चौधरी की खास रिपोर्ट। आज ट्रोमा सेंटर सिकंदरा राव में आप निरीक्षण करने के लिए आए हुए हैं, यहाँ क्या कमियाँ पाई गई हैं? ट्रामा सेंटर सिकंदरा राव का विधिवत शुभारंभ शिलान्यास 2015 में हुआ था। 1,79,16,000 रुपये से इसकी लागत प्रस्तावित थी, लेकिन थोड़े विलम्ब की वजह से तो मुझे जानकारी है कि इस पर पैसा और ज़्यादा लगा था। श्री अखिलेश यादव जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे उस समय ट्रामा सेंटर बना, उत्तर प्रदेश राज्य की निर्माण। पीपी न्यूज 24/7 सच्चाई कलम की नोक पर।